5.2 संतुलित और असंतुलित बल बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्रियाकलाप 3। एक लकड़ी का गुटका लें, इस गुटके के दो विपरीत फलकों पर हुक या कील लगाएं। दोनों हुकों में समान लंबाई के धागे ए और बी लगाएं, जैसा कि चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब इस गुटके को मेज पर रखें। अब यदि केवल धागे ए को पी बल से खींचें, तो गुटका दाहिनी ओर खिसकता है, और केवल धागे बी को क्यू बल से खींचें, तो गुटका बाईं ओर खिसकता है। यदि धागे ए व बी पर समान बल लगाकर खींचें, तो गुटका अपने स्थान से नहीं खिसकता। यह समान बल आपस में एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, जिससे वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं ला पाते। इस उदाहरण में दिए संतुलित बल को चित्रानुसार दर्शाया गया है, जहां P बराबर Q है। यदि दोनों बल बराबर नहीं हो, तो गुटके पर लगा हुआ नेट बल होगा P माइनस Q। नेट बल किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल है। नेट बल को समझने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु पर लग रहे सभी बलों एवं उनकी दिशाओं को जानना होगा। नेट बल प्राप्त करने के लिए उन बलों को जोड़ा जाता है जो एक दिशा में हैं, और उन बलों को घटाया जाता है जो विपरीत दिशा में हैं। गुटके पर लगा हुआ नेट बल P और Q का सदिश योग है, इसलिए संतुलित बल की अवस्था में गुटके पर लगा हुआ नेट बल बराबर P माइनस Q। यदि P बराबर Q है, तो नेट बल बराबर 0 होगा। यदि धागे A पर कम व धागे B पर ज्यादा बल लगाकर खींचा जाए, तो गुटका बाईं ओर खिसक जाता है। दोनों बल संतुलित नहीं है, अर्थात लगने वाला बल असंतुलित बल है। अतः वस्तु की गति अधिक परिमाण वाले बल की दिशा अर्थात B की ओर होगी। वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर P माइनस Q होगा। हेलो बच्चों, आज हम संतुलित बल और असंतुलित बल का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप के लिए मेरे पास लकड़ी का ये एक गुटका है, और इस गुटके पर दोनों तरफ हमने हुक लगाए हुए हैं। इस हुक से होते हुए धागे एवं घूर्णी की सहायता से हमने पल्ले दोनों तरफ लटकाए हुए हैं। इस व्यवस्था को आप देख पा रहे हैं, साथ ही कुछ भार भी हमारे पास है। इन सभी की सहायता से हम अपने क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। अभी जब पल्ले दोनों दिशाओं में लगे हुए दोनों तरफ हमारे लकड़ी के गुटके के हुक में फंसे हुए हैं, तो पल्लों का भार समान है, जिसके कारण जो गुटका है वह भी आपको संतुलित अवस्था में दिख रहा है। अब हम इन दोनों पल्लों पर अलग अलग भार लगाकर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है। मान लो मैं अपने दाहिने पल्ले की तरफ, जो हमारा गुटका यहाँ पर है, इसके दाहिने पल्ले पर 20 ग्राम का भार रख दे और बाएं पल्ले में 100 ग्राम का भार रख देते हैं। और अब इसकी प्रतिक्रिया देखते हैं। देखिए बच्चों, गुटका जो है वो बाईं तरफ सरक गया, क्योंकि बाएं पल्ले पर हमने जो भार रखा था वो अधिक था। इस तरफ जो रखा हुआ है वो 20 ग्राम भार और दूसरी तरफ है 100 ग्राम भार। दोनों भारों में 80 ग्राम का अंतर है, जिसके कारण हमारा जो गुटका है वो अपनी पूर्व स्थिति से बदल गया। अब पुनः हम ये कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ जो है वो समान भार हो, तब क्या होगा, ये प्रतिक्रिया हमें देखनी होगी। चलिए करते हैं। इस गुटके को अपनी पूर्व स्थिति में लाकर भार को समान कर लेते हैं। इस तरफ हमने जो 20 ग्राम का भार रखा था, इसे मैं बदलकर 100 ग्राम का भार रख दे रही। क्या अब भी गुटके की पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? चले देख लें इसे। देखिए, गुटका तो अपनी स्थिति से बिल्कुल भी नहीं हिला, उसकी पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस गुटके पर दोनों दिशाओं में जो हमने भार रखा था वो समान है, और समान भार के कारण दोनों ही तरफ समान बल आरोपित हुआ, जिसके कारण इस वस्तु पर जो नेट बल लग रहा है वो कितना हो गया? शून्य, क्योंकि
जो नेट बल होता है वो किसी भी वस्तु पर लगने वाले दोनों दिशाओं के बलों का अंतर होता है। जब हम असंतुलित अवस्था में इसे देख रहे थे तब हमारे दाएं पड़ले पर भार था 20 ग्राम का और बाएं पड़ले पर भार था 100 ग्राम का, मतलब 80 ग्राम का अंतर था। तो इन पे लगने वाले बलों का अंतर कितना था? 80 ग्राम भार, जो कि इस वस्तु पर लगने वाले नेट बल का मान था। इस प्रकार संतुलित और असंतुलित जो बल है उसका अध्ययन हमने इस क्रियाकलाप के माध्यम से किया।